हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पी लाइफ। ये मेरा यूट्यूब चैनल है। सो मैं आप लोगों के साथ आज बहुत कुछ शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं ना यूट्यूब पे वीडियो बहुत टाइम से बनाने की सोच रही थी कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाऊँ, बट मेरी ना हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं कैसे स्टार्ट करूँ, हेजिटेशन हो रही थी। सो आप लोगों को पता ही है कि फर्स्ट टाइम मतलब थोड़ा बहुत होता ही है, हेजिटेशन तो होती है। मतलब आज ना मैंने हिम्मत कर ली बनाने की वीडियो, आप लोगों के सामने आने की हिम्मत कर ली है। मैं आप लोगों को फर्स्ट मतलब इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ अपने। मैं आती हूँ अपने इंट्रोडक्शन पे। मेरा नाम पूजा है, मैं बेसिकली ऋषिकेश उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि उत्तराखंड ऋषिकेश एक बहुत छोटा सा बट बहुत ही ब्यूटीफुल सा शहर है। मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ और मैंने स्टडी वगैरह सब ऋषिकेश से की है और मेरा होम टाउन भी ऋषिकेश में है। और मेरे वहाँ पर मेरी फैमिली बहुत छोटी सी है। मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा भैया दीदी जिसकी मैरिज हो गई है और भैया अभी लॉयर है, वो अभी ट्रेनिंग में है। और एक हमारा छोटा सा डॉगी है जिसका नाम मैक्स है। और मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहती हूँ कि मेरी ना मैरिज लव कम अरेंज मैरिज है और मैंने मेरी मैरिज सिरसा हरियाणा में हुई है। ये फैमिली भी मेरी बहुत छोटी सी फैमिली है। यहाँ पर भी मेरी मदर इन लॉ है और मेरी सिस्टर इन लॉ है जिसकी मैरिज हो गई है और मेरी एक नानी सास है, मतलब मेरी मदर इन लॉ की बुआ है। और यहाँ भी एक हमारा छोटा सा एक डॉगी है। बस ऐसी छोटी सी फैमिली है हमारी। एक्चुअली ये डॉगी इसलिए रखा है हमने वहाँ पर भी मेरी वजह से आया था, जब मतलब मेरे वहाँ डॉगी को मैक्स है उसका नाम, तो उसको काफ़ी टाइम हो गया, 10-12 साल पहले मैंने बहुत ज़िद करी थी पापा से लाने की, तो पापा ले आए थे। एक्चुअली मुझे बहुत बहुत अच्छे लगते हैं मुझे एनिमल्स, मतलब मुझे बेजुबानों से ना बहुत प्यार है। यहाँ पर भी ना मेरे कहने से लेकर आए थे, इसको भी 2 साल हो गए हैं। एक्चुअली यहाँ पर मैंने इसलिए बोला था लाने के लिए, हमारे घर ना मतलब बहुत खाली खाली सा रहता था। फादर इन लॉ थे वो एक्सपायर होने के बाद ना मेरी शादी मतलब इनकी शादी करवा दी थी मुझसे कि घर पे बहू आएगी तो थोड़ी रौनक होगी, तो इस वजह से शादी करवा दी थी। बहुत जल्दी जल्दी में की थी शादी और मतलब ये जो मेरे दादा ससुर थे ना उन्होंने करवाई थी। वो कह रहे थे कि घर पे मतलब खाली खाली सा हो जाता है, आपको पता है कि मतलब घर पे कुछ ऐसा हो तो खाली खाली हो जाता है, इसीलिए उन्होंने मेरी शादी करवा दी थी। बट मेरी शादी के कुछ टाइम बाद दादा ससुर जी भी एक्सपायर हो गए हैं, तो अब मतलब फैमिली बहुत छोटी सी हो गई है। फिर ना मतलब घर बहुत खाली खाली सा लगता था, तो मैंने ना इसको मंगवा लिया था। मैंने कहा थोड़ा मतलब होगा घर पे आएगा ये, तो फिर थोड़ा मतलब घर का माहौल चेंज होगा, तो वैसे ही हुआ है। पहले तो मेरी मदर इन लॉ को पसंद नहीं था, पर अब वो भी इसको बहुत प्यार करती है। मतलब गुस्सा तो खैर अभी भी करती है, मतलब इसकी थोड़ी हरकतें ऐसी हो जाती हैं तो गुस्सा तो अभी भी करती है, पर प्यार भी बहुत करती है वो। मेरी सिस्टर इन लॉ को भी पसंद नहीं था, पर वो भी डरती है, वो अभी भी उसको डर लगता है, पर ये है कि वो भी प्यार करती है। हो जाता है लगाव घर पे, छोटा मतलब कोई एनिमल आए तो उससे लगाव तो हो ही जाता है, आप लोगों को पता ही है। बस ये छोटी सी फैमिली है मेरी। पहले मुझे बहुत ही हेजिटेशन सी होती थी कि मैं वीडियो कैसे स्टार्ट करूँ। आज मैंने कर ली और आप लोगों के सामने आ गई। आप लोग मुझे ना सपोर्ट करना कि मैं आप लोगों के सामने मेरी हेजिटेशन दूर हो और मैं अच्छे से अच्छी वीडियोस बना के मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ, है ना। मेरे हस्बैंड जो हैं वो भी हमारा आईफोन स्टोर है, वहाँ पर अभी काम करवा रहे हैं। एक्चुअली पहले हमारी ना शॉप स्टोर था, छोटा सा था, पर वहाँ पर उन्होंने चेंज कर दिया, मतलब बड़ा स्टोर लिया है अब। वहाँ पर ना अभी काम चल रहा है, तो जब वो काम हो जाएगा, इनॉग्रेशन वगैरह होगी, तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ज़रूर। और मेरे हस्बैंड इवनिंग तक आ जाएंगे तो मैं आपको उनसे भी मिलाऊंगी। और मेरी मदर इन लॉ हैं वो अभी सो रहे हैं, तो फिर उनको भी मैं आप लोगों को भी मैं उनसे मिलाऊंगी ज़रूर जब वो उठ जाएंगी तब, ठीक है। और डोडो से मिलवा देती हूँ, डोडो हमारे यहाँ पर अभी सो रहा है, दिखाती हूँ मैं कहाँ गया। ये ना छुपा हुआ है, छुप जाता है ये देखो कहाँ सो रहा है देख रहे हो आप सब